मिजोरम शरणार्थी के समर्थन में एक शिविर का आयोजन खाते गांव में आयोजित किया गया। स्वामी ऐश्वर्यानंद जी सरस्वती ने मिजोरम शरणार्थी के समर्थन में कहा कि सरकार उन्हें जबरदस्ती भेजना चाहती है, लेकिन उनकी सुरक्षा पर मौन है। वह वापस मिजोरम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां की 90% म्यूजियम जनजाति क्या उन्हें स्वीकार कर लेगी। हम पूरे भारत में उनकी सुरक्षा एवं आत्मसम्मान के लिए आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 10-12 वर्षों से वहां के बच्चों को शिक्षा के लिए पूरे भारत में अर्थात 5 राज्यों में पढ़ने की व्यवस्था की है और उन्हें शिक्षा ग्रहण करवाई जा रही है। खातेगांव, नेमावर, इंदौर, पुणे, बेलगांव में बच्चों को रखा हुआ है। कुछ बच्चों को इस वर्ष हमने गुजरात में भेजा है। मैं उन बच्चों के हालात को जानता हूँ। इसके लिए मेरे मन में आया है कि हम सब लोगों को इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने वहां पर लोगों को ले जाकर दिखाया तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप आंदोलन करें, हम आपके साथ हैं। मिजोरम के ब्रू एक जनजाति है जो 1997 में वहां से बेदखल कर दिया गया था। यह लोग वहां से भागकर त्रिपुरा बॉर्डर पर आ गए। 3 जनजातियां हैं उसमें, म्यूजियम, चकमा, रियांग। म्यूजियम जाति के 90% लोगों का वहाँ बोलबाला है और वे चाहते हैं कि हम जैसा चाहे वैसा यह लोग करें। मिजोरम शरणार्थी जो त्रिपुरा बॉर्डर पर आकर बस गए थे, सरकार उन्हें वर्गर सुरक्षा बगैर शर्त के जबरदस्ती वापस भेजना चाहती है। वह जाने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी सुरक्षा, रहने, खाने व ठहरने की क्या व्यवस्था होगी, इस पर सरकार मौन है। हम उनके समर्थन में पूरे भारत में अभियान शुरू किया है। इसके लिए लोग उनके समर्थन में पत्र लिख रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। हम 1 सितंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलेंगे। हम इन्हें संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिख रहे हैं। हम इनकी मांगों के समर्थन में सरकार को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन भेज रहे हैं तथा मिजोरम के राज्यपाल को पत्र लिख रहे हैं तथा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को संदेश भेज रहे हैं ताकि इनके रहने, ठहरने तथा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं। यहां पर आयोजन किया हुआ है, इसमें मिजोरम के जो शरणार्थी त्रिपुरा में आ चुके रहते थे, रियांग लोग, उनको पुनः सरकार जबरदस्ती वापस मिजोरम में भेज रही है विदाउट इनके सेफ्टी। उनको कोई सुरक्षा नहीं है, उनकी जो मांगे मानी नहीं जा रही है, उनको जबरदस्ती सरकार वापस भेज रही है। और इसके लिए पूरे भारत में हमने अभियान शुरू किया है कि उनको सुरक्षित वापस भेज दिया जाए, उनकी जो मांगे पूर्ण की जाए। अपने भारतीय लोग ये भारत में शरणार्थी रहते हैं, उनकी व्यवस्था नहीं हो रही है, तो हम ये जो लेटर लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जज को लेटर भेज रहे हैं और प्रधानमंत्री ऑफिस के लिए सभी की सिग्नेचर करके पूरे फॉर्म भेज रहे हैं और उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि पूरा भारत उनके साथ में है। हम सब हमारे भाई बहन है, उनकी सुरक्षित दृष्टि वापस उनके वापस भेज दिया जाए, लेकिन उनकी सुरक्षा दृष्टि दी जाए। उनकी जो मांगे कर रहा है इसका नेतृत्व तो सब जनता कर रहे, सब मिलकर कर रहे हैं। हम लोग सभी मिलकर के सब जिन लोगों को हमने बोल दिया, सबके मन में भाव आ गया कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो हम सब मिल करके कर रहे हैं। और अभी हम 11 सितंबर को इसको लेकर के पूरे 1 सितंबर को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में दे देंगे। उसके बाद लेटर तो डायरेक्ट जा ही रहे, उसके बाद हम वहाँ मिजोरम कैंप में जा रहे हैं और उन लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम सभी भारतवासी आपके साथ में हैं, तो उनको दर्श देने के लिए फिर त्रिपुरा गवर्नमेंट को दे देंगे, त्रिपुरा गवर्नर को दे देंगे, त्रिपुरा सीएम को भी दे देंगे। मैं स्वामी ऐश्वर्यानंद सरस्वती और मैं इस शिविर में पिछले 10-12 साल से जाते रहता हूँ। वहाँ के बच्चों को शिक्षा के लिए पूरे भारत में हमने कम से कम 5-6 राज्यों में ला के रखा हुआ है पढ़ने के लिए। वहाँ उनकी पढ़ने की व्यवस्था नहीं है और कुछ बच्चे यहाँ भी हमने खातेगांव में भी काफी स्कूल में लड़कियाँ पढ़ती हैं, कुछ बच्चे नेमावर में है, इंदौर में है, फिर पुणे में है, बेलगांव में, हर जगह हम रखा है उन लोगों को। अब इस साल हमने गुजरात में कुछ बच्चे भेजे वहाँ के, उनकी स्थिति मैं जानता हूँ, इसलिए मेरे मन में आया कि कुछ लोगों को पिछले गर्मी में ले गया वहाँ दिखाने के लिए। सभी ने मुझे कहा स्वामी जी हम आपके साथ में हैं, हम मिलकर कुछ अभियान चलाएंगे, उसको शुरू कर दिया। हम से ही एक रियांग जनजाति है, उन लोगों को वहाँ से 1997 में बेदखल किया था, वो लोग भाग करके वहाँ से त्रिपुरा में गए थे, त्रिपुरा बॉर्डर पर। क्योंकि मिजोरम में क्या है, 3 जनजातियाँ है, एक मिजो, दूसरी चकमा और तीसरी रियांग। तो जो मिजो जनजाति है वहाँ पर 90% है, उनका सब बोलबाला है, तो जैसे चाहे ऐसे कर लेते हैं। और वे सभी लोग चाहते हैं कि ये लोग अपनी मांगे नहीं माने, हमारी बात को हमारे अंडर आकर काम करें। तो चकमा लोगों को और रियांग लोगों को परेशान किया जाता है और वहाँ से उनको भगा दिया गया। 22 साल से लोग शरणार्थी रूप से रहते वहाँ पर और उनकी कोई सुध नहीं ले जा रही है। तो अभी सबके मन में आया कि हमको उनके लिए करना चाहिए, तो इसके लिए
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।